तो दोस्तों, अगर आप एनएस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन से नहीं। तो दोस्तों, लेफ्ट साइड इस तरफ हमारे पर वो चैप्टर है जो आपके थ्योरी एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके 40% आपके टीएमए के बनते हैं जो कि आपके सिर्फ टीएमए के लिए होते हैं, और दूसरी तरफ आपके बनते हैं हमारा पर राइट साइड, और राइट साइड में यहाँ पे हमारा पर 60% हमारा पर थ्योरी के चैप्टर है जो कि आपके थ्योरी एग्जाम में आएंगे। मतलब कि आपको थ्योरी एग्जाम की तैयारी इन्हीं चैप्टर से आपको करनी है। आपके थ्योरी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं तो वो इन्हीं चैप्टर से यहाँ पर आपके बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपना पॉज करके आप इन चैप्टर को नोट कर सकते हैं, और इन चैप्टर को लेकर आपको थ्योरी एग्जाम को लेकर अपनी तैयारी करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और खास बात बता देना चाहता हूँ कि आपके जो भी सब्जेक्ट है तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो सारी वीडियो आपको हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिनसे तैयारी करके अपने पास होने का पक्का कर सकते हैं। वहाँ आपको कई सारे आपको जरूरी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, आपके कई सारे जो डाउट होते हैं उनको लेकर आपको वीडियो आपको मिल जाएगी। साथ साथ यहाँ पर मैं आपको एक और ख़ास बात बता देना चाहता हूँ कि एनएस में कोई भी अगर अपडेट आता है, कोई भी खबर आती है, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाती है। इसे जरूर हो जाता है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनएस को लेकर हर तरह की अपडेट, हर तरह की हेल्प आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग।